हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माई चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, अगर आपको भी जो वेरिएशन है या छोटे डिज़ाइंस बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो आप बहुत सारे जो मेहंदी के डिज़ाइन है वो एक साथ बनाने की कोशिश ना करें। आप थोड़े थोड़े से बंच में या छोटे छोटे से डिज़ाइंस बनाएंगे तो आपको ये प्रॉपरली बनाना आ जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे सर्कुलर फ्रिल बनाई है। अब इसको हमने अगर किसी फ्लावर में चेंज करना है, बहुत ईजी है, तो इस तरह से हम आप क्या करेंगे, साइड में ना पेटल की तरह पे एक यानी कि डार्क फॉर्म में इस तरह से आप इसके साइड्स क्रिएट कर सकते हो। ये बहुत ही आसान तरीका रहता है कोई भी फ्लावर को बनाने का। अब फ्लावर बनाने में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं ज़्यादातर, और उसमें वेरिएशन देना, उसमें चेंज लेके आना। अब देखिए, वो छोटा फ्लावर सिर्फ सिंगल, इससे ज़्यादा हम मोर नहीं करें। इसके पास पास ना हम छोटे छोटे से और फ्लावर ड्रॉ कर देंगे, जिससे कि उसमें हम फ्रिल नहीं लेंगे, उसमें हम डायरेक्टली सर्कल करेंगे और उसको इसी तरह से उसके साइड्स में एक छोटे छोटे से पैटर्न्स को क्रिएट कर लेंगे। अब छोटे छोटे फॉर्म में छोटे छोटे डिज़ाइन आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो आप डेफिनेटली अपने परफेक्ट डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, ये हमने बिना फ्रिल के बनाया है, एक और यहाँ इसके साथ बना लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, अगर आप बहुत आराम से धीरे धीरे से बनाना स्टार्ट करेंगे तो आप इसे बना सकते हैं बहुत ईजीली। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, लेकिन बाद में ही हो जाता है, डोंट वरी अबाउट इट। तो यहाँ पे हमने एक और फ्लावर बनाया। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, चार फ्लावर बनाए हैं, जिसमें एक में हमने फ्रिल रखी है, तीन में हमने कोई फ्रिल नहीं रखी, सर्कुलर फॉर्म में उसमें ही हमने छोटे छोटे से पेटल्स जो हैं वो क्रिएट कर लिए। अब यहाँ पे हम लीफ क्रिएट कर रहे हैं। लीफ में अब लाइनिंग वाला, बिना लाइनिंग वाला, ट्रिपल लीफ, किसी भी तरह का जो लीफ है वो क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे लाइनिंग डाल रहे हैं लीफ में, तो बिल्कुल बारीक बारीकी से ये लाइंस डालनी होती है। जब भी हम लाइन स्टार्ट करते हैं, जो डॉट है वो नहीं छूटना चाहिए, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना होता है। तो इस तरह से आपको करना है। अब यहाँ हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे लीव्स एक जैसे कि ड्रॉ करके उसके आगे एक जैसे बील बनाते हैं हम किसी भी वेरिएशन में, तो वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो बहुत इजी है, अगर आप बहुत छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करना है, फॉलो करोगे तो बहुत आसानी से ये जो है बन जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने इसको कितनी ईजिली क्रिएट किया। अब आगे भी फर्दर हमने क्या करना है, हम यहाँ पर एक और जो वेरिएशन लेंगे, आप देखिए यहाँ पे भी हम पेटल्स को क्रिएट करेंगे। और ये हमने सर्कुलर फॉर्म लिया है, और सर्कुलर फॉर्म लेके हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, अपना जो वेरिएशन है, जो फ्रिल है, वो डिस क्रिएट करेंगे। जैसे ही आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पर जो छोटे छोटे पेटल क्रिएट कर लिए हैं। अब यहाँ पे भी हम इसको वेरिएशन देने के लिए यहाँ पे छोटे छोटे से लीव्स और कुछ छोटे कुछ बड़े इस फॉर्म में लीव्स की अलग अलग तरह की वेरिएशन जो हैं वो बना रहे हैं। अगर आप इस तरह से अपनी प्रैक्टिस करोगे, या फिर एक बड़ा जो चीज़ है, बड़ी चीज़ लेने की बजाय अगर छोटी छोटी चीज़ों पे प्रैक्टिस करोगे, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे से कर पाओगे। इस चीज़ को ध्यान रखना, जब आप डिज़ाइन बना रहे हो, डिज़ाइन एक दूसरे से अलग लगने चाहिए, एक दूसरे के बीच में सटे हुए नहीं दिखाई देने चाहिए। क्योंकि अगर हम सबको मिक्स कर देते हैं या जोड़ देते हैं, तो डिज़ाइन जो है वो दिखाई ही नहीं देता है। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। तो अगर प्रॉपरली मेहंदी जो अगर हम लगाते हैं, तो हमें इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान में रखना होता है, और जो सारे डिज़ाइन है वो सेपरेट सेपरेट दिखाई देने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, इसमें हर चीज़ सेपरेटली विजिबल हो रही है, और यही चीज़ हमें करनी होती है, ताकि हर चीज़ अलग रहे
और दिखाई दे कि एक्चुअली में हमने क्या बनाया है। अब हम सिंपल सा एक डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं, लाइंस बनाकर उसके अंदर डॉट्स फिल कर देंगे एक ही, और आप देखिएगा कि इसका लुक क्या आता है और बहुत ही अच्छा जो है इसमें वेरिएशन आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, और हमने क्या करना है, जैसे कि हमने किस तरह से एक नेट टाइप का स्ट्रक्चर बनाना है और उसमें हमने डॉट्स को फिल कर देना है, तो ये हमारा डिज़ाइन जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल पर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।